तो नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन के अंदर अगर मैं आपको करेक्ट वैल्यू ऑफ ए दूं, करेक्ट वैल्यू ऑफ बी दूं, तो डिवाइड करके आप मुझे करेक्ट वैल्यू ऑफ जेड देंगे, डन। लेकिन अगर मैं आपको ए विद एरर दूं, बी विद एरर दूं, तो आप मुझे जेड में भी क्या देंगे, एरर देंगे। ये भी क्लियर है यहां तक? अब इसके अंदर न्यूमिनेटर में से ए को कॉमन निकाल लें। अब कई लोग कहते हैं हाँ बढ़िया है, ए में कॉमन निकालते हैं, कैसे, इसकी जगह वन कर दो और इसकी जगह अकेला डेल्टा कर दो। भाई अकेला डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब चेंज। भाई किसे चेंज करना है ये तो बता दो। एक्स को चेंज करना है, वाई को चेंज करना है, ए को चेंज करना है, बी को चेंज करना है। अकेला डेल्टा का मतलब कुछ भी नहीं होता। तो डेल्टा ए एक टर्म है, जैसे डेल्टा ए पॉइंट वन है, डेल्टा पॉइंट वन नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें से ऐसे ए को कॉमन निकाल नहीं पाएंगे। आप जबरदस्ती ए कॉमन निकाले, निकल नहीं रहा था, कैसे? अगर ए कॉमन निकाल लेंगे तो इसकी जगह वन, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय ए, क्योंकि जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो चेक कर लें, ए इंटू वन ए, ए इंटू दिस टर्म विल गिव डेल्टा ए। सिमिलरली नीचे से बी कॉमन निकाल लें, तो यहां पर क्या बच जाएगा, वन, और यहां पर क्या बचेगा, डेल्टा बी बाय बी। ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? अब एक काम करें, इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएं, रेज टू पावर माइनस वन। ये भी क्लियर है यहां तक? माइनस वन। अब एक प्रॉब्लम हो गई, मैं इसे एक्सपैंड करना चाहता हूं। एक्सपैंड जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है मुझे, तो क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब ये भी कर दोगे, ए प्लस बी रेज टू पावर फोर ये भी कर दोगे, ए प्लस बी रेज टू पावर फाइव शायद पांच बार मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट वोकेट खोल खोल के कर दो। अच्छा, ए प्लस बी होल रेज टू पावर सेवन बाई टू ओपन करो। अरे आपको ये कौन सा फॉर्मूला है, ये तो मेरे को सीखा ही नहीं। कि अगर मान लो मैं ये पूछूं ए प्लस बी होल रेज टू पावर लेट अस सपोज सेवन बाई टू, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, मेरे को नहीं आता फॉर्मूला। तो मैथ के अंदर फिर मैथ में जाना पड़ेगा दो मिनट के लिए, ज़्यादा ज़्यादा बड़ा मैथ नहीं है। मैथ के अंदर इसको एक्सपेंड करने का तरीका है, जो प्लस वन के मैथ के टीचर आपको करवाएंगे, मेडिकल में कोई नहीं कराएगा, फिलहाल चाहिए भी नहीं, सिर्फ दो लाइन चाहिए। इसको एक्सपैंड करने का तरीका है, इवन अगर पावर माइनस सेवन बाई टू है तो भी एक्सपैंड करने का तरीका है, ठीक। और वो तरीका क्या है, उस तरीका का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा तरीका है मैथ्स में जो किसी भी कॉम्प्लेक्स पावर की इसको पूरे ब्रैकेट को क्या कर देगी, एक्सपैंड कर देती है। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला करवाऊंगा बाइनोमियल का मैथ से, कि अगर फर्स्ट टर्म वन है, जरूरी है पहली टर्म अगर वन है, दूसरी टर्म का कोई चक्कर नहीं एक्स हो, और प्लस और माइनस का भी कोई चक्कर नहीं, और पावर जो मर्जी हो चाहे एन हो, इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो एन और एक्स को मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है, अप्रोक्सीमेट आता है। मैंने इक्वल टू नहीं पुट किया कि वन प्लस इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, मैंने कहा नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली वन प्लस एन एक्स, कि अंदाजे से आसपास रिजल्ट आता है। तो अब अगर मुझे इसे एक्सपैंड करना है, तो ये वन है, यहां कोई भी टर्म है माइनस वन है, तो मैं कैसे एक्सपैंड करूं, इसको और इसको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस वन को इससे, तो ये प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस प्लस। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो आपके पास ये टर्म आ गई, ठीक। अब एक काम करें, चार टर्म्स आएंगी यहां, इसे ओपन करें ब्रैकेट, वन इंटू वन वन, वन इंटू दिस टर्म ये रहा, दिस टर्म इंटू वन ये रही, और दिस टर्म इंटू दिस टर्म ये रही। एक्सपैंड कर लिया, आपने करना नहीं है पर आपको समझ तो आ ही रहा होगा, आपने एक्सपैंड कर लिया। अब एक छोटा स्टेप और है, क्या स्टेप है, कि इस पूरी टर्म्स में कोई टर्म वन भी है, कोई ये भी है, कोई ये भी, और कोई ये भी है, ये टर्म बहुत छोटी आएगी। ये टर्म बहुत छोटी आएगी का मतलब क्या है, डेल्टा ए डेल्टा बी ए अपॉन बी। अब जैसे एग्जाम्पल है, ए की वैल्यू टू है, डेल्टा ए पॉइंट जीरो वन है, बी की वैल्यू थ्री है, डेल्टा बी पॉइंट जीरो टू है, और अगर मैं कैलकुलेट करूं ये टर्म डेल्टा ए डेल्टा बी ए बी, तो वैल्यू पुट करके आंसर काफी छोटा नहीं आ रहा, पॉइंट जीरो 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 थ्री थ्री थ्री, बहुत ही छोटा है। तो इतनी छोटी कैलकुलेशन को हम इंक्लूड करेंगे, फिर कैलकुलेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी पॉइंट जीरो 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 में, तो दिस कैन बी निगलेक्टेड, इसको छोड़ दो। आप कहेंगे ऐसे कैसे छोड़ दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मेरे पैसे देने हैं, कितने देने हैं, 10,25,000। तो मैं क्या कहूंगा, चल यार तू 10,00,000 रुपये दे दे, 25,000 छोड़ दे, भाई क्या वैल्यू है उसकी, कुछ वैल्यू नहीं है, निगलेक्टेड 25,000 निगलेक्टेड। पॉइंट समझ में आ रहा है? उसी तरीके से
जब हम प्लस माइनस कर रहे होते हैं टर्म्स को, तो जो टर्म बड़ी है और जो टर्म बहुत छोटी है, तो छोटी टर्म को रख के कॉम्प्लेक्सिटी है। अब मैं क्या क्या हिसाब रखूंगा, मैंने 10 लाख में 25 रुपये 25 पैसे में से आपके मान लो लेटर सपोज 230 रुपये देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 10 लाख 25 पैसे माइनस 230, फिर 25 पैसों में हिसाब रखूंगा, फिर 75 पैसों में हिसाब रखूंगा, यार फिर तो बस हो गया काम, फिर तो 25 और 10 पैसे इकट्ठे करते रह जाऊंगा, निगलेक्टेड, राउंड ऑफ। समझ में आ रहा है यहाँ तक? बिल्कुल वैसे ही है। तो ये टर्म इनमें से बहुत छोटी निकलेगी, छोड़ दो इसे। तो आपके पास 1, 2 और 3, बस ये 3 टर्म्स निकल के आती हैं। ठीक हो गया। अब लास्ट स्टेप है, आप लेफ्ट और राइट को डिवाइड कर दें जेड से, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट और राइट को जेड से डिवाइड कर दिया, तो जेड बाई जेड आ गया, डेल्टा जेड बाई जेड आ गया, ए बी और जेड, यहां पर जेड क्या है, ए अपॉन बी, तो जेड और ए अपॉन बी क्या हो गया, कैंसल, तो आपके पास ये टर्म आ गई। तो यहां से जेड बाई जेड क्या होता है, वन, वन में से वन कैंसल, प्लस माइनस कैंसल फॉर्मूला। आप रजिस्टर में नोट करें, थर्ड डिवीजन, बस आप ये नोट करें, डिवीजन, डिवीजन के अंदर नोट करें, इफ जेड इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी, तो एरर में क्या रूल आएगा, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, ये फॉर्मूला एरर की कैलकुलेशन में काम आएगा अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान था, उसमें डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर देते थे, इसके अंदर ये कौन सा एरर है, ये कौन सा एरर है, नाम क्या था इसका, एब्सोल्यूट नहीं, क्या नहीं, 100 से मल्टीप्लाई नहीं है, रिलेटिव, तो ये रिलेटिव एरर ए, रिलेटिव एरर बी, रिलेटिव एरर जेड। बोलो यहां पे ये और ये कट गया ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो बचा तो प्लस ही, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्लियर है, आपको पेपर्स के लिए फॉर्मूला ही आना चाहिए बस, ये प्रूफ मैंने आपको दिखाया ताकि आपको किताबें समझ में आए, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। मैं अगर सीधा फॉर्मूला बताता तभी मेरा काम चलता था, पर मेरे को आदत नहीं है ऐसे करने की, फॉर्मूला बता के आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, आपको कोई पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, तो बस दिखाने के लिए कराया कि ऐसे आया। तो इसको यूज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके पास अगर दो टर्म्स हैं विद एरर, आप इन दोनों को क्या करना चाहते हैं, डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z, तो आपको इसकी वैल्यू बताएं, क्योंकि डिवाइड करना है तो मैंने फॉर्मूले में z का फॉर्मूला क्या लिखा है, चेक करो, a अपॉन b, तो z कैसे आएगा, a अपॉन b, और डेल्टा z का बड़ा सा फॉर्मूला करवाया, पहले काम करते हैं z निकाल लेते हैं, z इज इक्वल टू, अगर ये a है तो ये डेल्टा a है, अगर ये b है तो ये डेल्टा b है, तो a कितना है 2, b कितना है 3, तो z कितना है 2/3, आधा आंसर आ गया। तो यहां पर क्या प्लेस करेंगे, 2/3, आधा आंसर आ गया, आधा निकालते हैं, क्या निकालना है, एरर निकालना है, तो डेल्टा जेड निकाल लें, डेल्टा जेड देखो कैसे निकलेगा, डेल्टा जेड निकालने का ये फॉर्मूला लिखा डिवीजन का, हमने डिवीजन का फॉर्मूला लिखा, इस डिवीजन के फॉर्मूले में डेल्टा ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.1, ए गिवन है 2, डेल्टा बी 0.2, बी गिवन है 3, 0.1 2 0.2 3, और z हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 2/3, तो हमने क्या निकालना है, डेल्टा z, डेल्टा z को एक तरफ 2/3 राइट साइड पे ले जाओ, इसे सॉल्व कर लो, डेल्टा z आएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, z की जगह 2/3 और डेल्टा z की जगह 0.077। थोड़ा सा लंबा तरीका हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक था, ऐड कर दो। डिवीजन के अंदर क्या करना पड़ेगा, z को अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा a बाय b, और डेल्टा जेड को इस बड़े से फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके करना पड़ेगा। तो पॉइंट्स को समझ में आ रहा है कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, ये कोई डाउट इसमें क्लियर है, अभी करेंगे न्यूमेरिकल्स इस पे। अब लास्ट है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में जेड ए इन टू बी, क्योंकि जेड मल्टीप्लाई हो रहा है ए इन टू बी, अगर ए विदाउट एरर बी विदाउट एरर तो जेड बी विदाउट एरर, ए एरर के साथ बी एरर के साथ तो जेड भी एरर के साथ, फिर वही तरीका, ए को कॉमन निकाल लो तो ये वन हो गया, ये डेल्टा ए बाय ए हो गया, इसमें से बी को कॉमन निकाल लो ये वन हो गया, ये डेल्टा बी बाय बी हो गया, तो ये ए इनटू बी एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ,
फिर से क्या करें, इसे एक काम करें, ए अपॉन ए ए इंटू बी क्या होता है यहाँ पर जेड, इनको ओपन कर लें, चार टर्म्स आएंगी, या एक और काम कर लें, चलो एक स्टेप और किया इसने, दोनों साइड्स को लेफ्ट और राइट को जेड से डिवाइड कर दो, तो ये कट गया, जेड बाय जेड क्या है वन, डेल्टा जेड बाय जेड राइट हैंड टर्म एज इट इज, यहां से ये चार टर्म फिर ओपन हो गई, ओपन करके दिस टर्म इज वेरी स्मॉल कैन बी निग्लेक्टेड, तो अल्टीमेटली फॉर्मूला फिर से क्या आया, सेम आ गया। तो आप लिखें इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ ऑपरेशन लिखें आप, फोर्थ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में इफ जेड इज ए इंटू बी, तो एरर की कैलकुलेशन में क्या करेंगे, डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, ये फॉर्मूला नोट करें। मतलब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला सेम है एरर कैलकुलेशन का, फिर फर्क कहां पर है, जेड में, क्योंकि एक में जेड यूज होगा ए अपॉन बी, एक में जेड यूज होगा ए इंटू बी, पर एरर की कैलकुलेशन सेम तरीके से होती है। फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? जैसे सपोज आपको क्वेश्चन आ गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है, दो टर्म मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या सिखाया, जेड का फॉर्मूला ए इंटू बी, तो ए इंटू बी कितना हो गया, सिक्स, आधा आंसर आ गया सिक्स। अब क्या निकालना है, डेल्टा जेड, डेल्टा जेड के लिए ये फॉर्मूला यूज किया, इस फॉर्मूले में डेल्टा ए की जगह 0.1, ए की जगह 2, डेल्टा बी की जगह 0.2, बी की जगह 3, और यहां से जेड की जगह 6, सॉल्व करके क्या आ गया, डेल्टा जेड आ गया, तो डेल्टा जेड को यहां पुट कर दिया, जेड तो ऑलरेडी निकला हुआ था आंसर, तो मेथड समझ में आ रहा है, तो आप हाँ हाँ जैसे मर्जी करो सॉल्व, सॉल्व आपकी आपके ऊपर है। तो मेरे कहने का मतलब कि आपको मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आता है तो डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, और जो जेड है वो चीज हो जाएगी। तो चारों ऑपरेशन समझ में आ गए यहां तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और एक्चुअल में यही यूज होने वाला है, और वो रूल है एक्सपोनेंशियल रूल। ठीक, एक्सपोनेंशियल रूल पे क्वेश्चन आते हैं, तो एक्सपोनेंशियल रूल करवाने से पहले एक चीज बताओ, अगर जेड किसके इक्वल है, ए इंटू बी, तो एरर का रूल क्या बनेगा, डेल्टा जेड बाय जेड, डेल्टा ए बाय ए, प्लस डेल्टा बी बाय बी, कोई डाउट इसमें, यानी कि मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में फॉर्मूले में कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो अगर मैं इसमें डिवीजन भी लगा दूं साथ में, डिवाइड बाय सी, क्या फर्क पड़ता है, तो एक और टर्म ऐड कर दूंगा, बोलो क्या, डेल्टा सी बाय सी, क्योंकि चाहे मल्टीप्लाई हो रही है टर्म चाहे डिवाइड हो रही है, रूल तो फाइनली वही लगेगा, तो डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा बी बाय बी, डेल्टा सी बाय सी। अगर मैं एक और टर्म लगा दूं नीचे, डी मल्टीप्लाई हो रही है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल तो सेम ही है, तो यहां पर क्या जाएगा, डेल्टा डी बाय डी। तो जब टर्म्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रही हैं, तो कुछ नहीं करना, उनके रिलेटिव एरर्स क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं, कोई डाउट इसमें, यहां तक क्लियर है। अब कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको ना पावर्स भी गिवन होती है, जैसे इसकी पावर है पी, इसकी पावर क्यू, इसकी आर और इसकी एस, मान लो ये पावर भी गिवन है, जैसे ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर का मतलब ए दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ए क्यूब होता तो ए तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ए तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरर भी तीन गुना ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि तीन बार चीजों को आप नोट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए का जो एरर आया उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, पी से, बी की जो भी पावर है उसके एरर को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, क्यू से, सी की जो भी पावर है क्या कर देना है, आर से, और डी की जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है एस से, सिंपल रूल है एक्सपोनेंट का। तो कुछ नहीं करना आपने, डेल्टा, ये अगर एक्चुअल फॉर्मूला है तो डेल्टा जेड बाय जेड, पी इंटू डेल्टा ए बाय ए, प्लस क्यू इंटू डेल्टा बी बाय बी, प्लस आर इंटू डेल्टा सी बाय सी, प्लस एस इंटू डेल्टा टी बाय टी, पॉइंट क्लियर है, तो एक्सपोनेंट का रूल भी क्लियर है। तो आप लिखें फिफ्थ केस एक्सपोनेंट, ये लिखें एक्सपोनेंट के अंदर रूल, ठीक है, तो ये पांचवा फॉर्मूला, ये लास्ट फॉर्मूला है हमारा पांचवा, तो इसका थ्योरी कुछ नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल है। आप तो जेड लिखें और जेड को ये लिखना सीखें।
हैं और मुझे ये सॉल्व करके दिखाएं, एग्जांपल लिखें। एक चीज नोट की आपने, चाहे एडिशन चाहे सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या एक्सपोनेंट, एरर ऐड होते हैं, कहीं भी माइनस नहीं आया। नोट किया आपने, एरर्स हमेशा ऐड ही हो रहे हैं। तो एग्जांपल लिखें और इसका आंसर साथ में ट्राई करें। इफ z इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2, b रेज टू पावर 3, c रेज टू पावर 5 और d रेज टू पावर हाफ, तो आपको एरर का फॉर्मूला बनाना है। इसमें यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा z बाय z, इसका रिलेटिव एरर कैलकुलेट करें। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला पे बोलो, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू बोलो क्या, 2 इंटू डेल्टा a बाय a प्लस 3 इंटू डेल्टा b बाय b प्लस 5 इंटू डेल्टा c बाय c प्लस हाफ इंटू डेल्टा d बाय d। कोई डाउट इसमें, तो लिखना आ गया फॉर्मूला, सही है? तो कुछ भी नहीं करना, रिलेटिव एरर हमने इसका प्रूफ नहीं किया, मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया, मतलब फॉर्मूला दिया z का एक्सपोनेंट का और सीधा एरर का रूल लिखवा दिया। हालांकि मैंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में प्रूफ भी करके दिखाया, ये प्रूफ बहुत बड़ा है, कोई नहीं पूछता, तो इसलिए अब हमने सीधा इसका शॉर्टकट किया विदाउट प्रूफ। ठीक है, यहाँ तक किताब के अंदर प्रूफ मिलेगा भी नहीं वैसे इसका, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये लगाना आ गया, तो दूं क्वेश्चन लगाने के लिए, ठीक है लगाओ। इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। सिंपल पेंडुलम पता है क्या होता है, एक धागा नीचे कोई छोटा सा मास, टू एंड फ्रो मूव करना, इट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। सुना हुआ है आप लोगों ने? सिंपल पेंडुलम को अगर मैं यहां से छोड़ दूं, ये इधर जाएगा और वापस आएगा, मानते हो इस चीज को, दूसरी बार जाएगा तीसरी बार जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुकता है? एयर की रेजिस्टेंस है, हवा रोक देती है। सोचो इस कमरे में हवा ही निकाल दो, अब तो रुकने वाला कोई नहीं है। तो अब अगर ये यहां से स्टार्ट होगा तो वापस यहीं पे आएगा, अगले चक्कर में वापस यहीं पे आएगा, अगले चक्कर में वापस यहीं पे आएगा, क्योंकि रोकने वाली फ्रिक्शनल फोर्स तो है ही नहीं। क्लियर है यहां तक? ये रुकेगा नहीं, ये हर वक्त ऐसे ही चलता रहेगा। कोई डाउट इसमें? सही है। पानी में पेंडुलम को चलाकर देख लो, चलेगा भी नहीं, रुक जाएगा, क्योंकि रेजिस्टिंग फोर्स बहुत ज्यादा है, एयर की कम है, वैक्यूम की तो है ही नहीं। ठीक हो गया यहां तक? अब एक चीज बताओ कि एक पेंडुलम यहां से चला गया और वापस आया, आपके हाथ में स्टॉप वॉच थी, मैंने पूछा टाइम पीरियड कितना है, आपने बोला 2 सेकंड, एयर की रेजिस्टेंस नहीं है, और फिर गया वापस आया, टाइम पीरियड कितना है, आपने कहा 2 सेकंड, फिर जाएगा आएगा, टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड। आप कैसे मेजर कर रहे हो? विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। फिजिक्स में इसकी डेरिवेशन है, इसका एक फॉर्मूला है, आप सिंपली मुझे एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम दे दो बस, कोई पेंडुलम दिखाओ भी मत मुझे, कोई स्टॉप वॉच भी मत दो, आप मुझे एल बता दो पेंडुलम का क्या होगा, एयर की रेजिस्टेंस हटा दो, इस फॉर्मूले में एल पुट कर दो, क्योंकि अगर एल छोटा होगा तो चक्कर जल्दी कंप्लीट होगा, बड़ा होगा अगर एल तो टाइम ज्यादा आएगा, बहुत ही बड़ा पेंडुलम है तो टाइम और ज्यादा आएगा, तो टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंडेंट है। तो ये फॉर्मूले में मैं एल पुट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा, मुझे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है। तो ये प्रूफ हम फिजिक्स में करेंगे, ऐसा क्यों होता है? ठीक है यहां तक? पर ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया, आपको इसकी थ्योरी चाहिए नहीं वैसे, बस आपको तो फॉर्मूला चाहिए। तो मैंने आपको एक टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम का फॉर्मूला दिया और सिंपल क्वेश्चन पूछा, फाइंड इस फॉर्मूले को देखते हुए डेल्टा टी बाय टी, सिंपल लगाओ एक्सपोनेंट का रूल जो लगाना है, बस डेल्टा टी बाय टी निकालो।
मुझे बताओ जरा आपने क्या किया। सबसे पहले लेफ्ट में क्या, डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू, बोलो नेक्स्ट टर्म क्या लिखी, टू का क्या किया, टू नहीं लिया आप ये कह रहे हो। कितने लोग एग्री करते हैं कि टू को छोड़ दिया, कितने लोगों ने टू को लिया और कितने लोगों ने ये लिखा डेल्टा टू बाय टू। भाई टर्म है, मल्टीप्लाई हो रही है, कितने लोगों ने आगे ये लिखा डेल्टा पाई बाय पाई, भाई मल्टीप्लिकेशन है। और इसको ऐसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऐसे लिखा आप लोगों ने, एक ही बात है। तो कितने लोगों ने ऐसे लिखा, तो टू टू का एरर, पाई का एरर, हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल, हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी। कोई डाउट इसमें कितने लोगों ने ऐसा लिखा, नहीं लिखा। अच्छा कितने लोगों ने सिर्फ ये दो टर्म लिखी, ये लिखी। अच्छा देखो पहली बात, जिन्होंने ये लिखा वो गलत नहीं लिखा, क्योंकि वो तो रूल लगा रहे हैं और डेल्टा डेल्टा कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम है, डेल्टा टू क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है ना, बिग चेंज। डेरिवेटिव का मतलब होता है स्मॉल चेंज, डीएक्स का मतलब स्मॉल चेंज है, डेल्टा एक्स का मतलब कंप्लीट चेंज, बिग चेंज है। चलो चेंज तो है ना, तो अगर मैं लिखूं डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट क्या होता है, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव स्मॉल चेंज तो होगा नहीं। तो डेल्टा बिग चेंज ऑफ टू भी क्या होगा, चेंज ही नहीं होगा, तो पाई का भी जीरो होगा, तो डेरिवेटिव भी नहीं होगा कांस्टेंट का और डेल्टा भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है यहां तक, तो इसलिए इस टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब आप एरर की कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसमें अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है उसमें कभी एरर नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेल्टा जीरो रहता है। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक। ठीक है यहां तक, तो क्या बचा हमारे पास, ये टर्म बच गई, ठीक आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है सॉल्व, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो क्या रूल सीखा हमने कि एक्सपोनेंट का जब रूल लगेगा तो कांस्टेंट जब आएंगे बीच में उनको कंसिडर करने की जरूरत है ही नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करके देख लो, जैसे सपोज सरफेस एरिया, या चलो सरफेस एरिया इज गिवन बाय पाए, सरफेस एरिया इज गिवन बाय 4πr², ठीक, फाइंड डेल्टा एस बाय एस। अब क्या रूल लगेगा, डेल्टा एस बाय एस विल बी इक्वल टू क्या 4 में डेल्टा लगेगा, नहीं लगेगा, पाई में लगेगा, नहीं लगेगा, तो क्या आंसर आएगा 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया, सही है, सही है, लगाना आ गया रूल एक्सपोनेंट, ठीक है। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर दें, इफ जेड इज इक्वल टू एम स्क्वेयर एल टी और एस, फाइंड डेल्टा जेड बाय जेड। अपनी कॉपी चेक करवा सकते हो,
देखो, मैंने आपको जब ये क्वेश्चन बताया या जब ये थ्योरी बताई तो उसमें ये बताया था, एरर हमेशा ऐड होते हैं, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड, चाहे प्लस, चाहे माइनस, चाहे एक्सपोनेंट। कभी माइनस का फॉर्मूला देखा आपने एरर में? नहीं देखा। जितने फॉर्मूले आए सारे प्लस में आए, प्लस में आए। आज के बाद अगर आपका कोई एरर की कैलकुलेशन में माइनस आ रहा है, आप आगे मत करना, क्योंकि पक्का वो गलती होने वाला है, क्योंकि एरर हमेशा ऐड ही होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, पावर जब लेते हैं तो माइनस टू है, तो सब्ट्रैक्शन तो अपने आप ही आएगा। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करें, इसमें इसको पहले ठीक तरह करके लिखें, एम की पावर 2, एस की पावर 4 ऊपर ले जाएं, टी की पावर 3, एल की पावर 2। ऐसे कर सकता हूं मैं, क्या प्रॉब्लम है? ऊपर नीचे कर दिया मैंने। अब लगाओ रूल, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एम बाय एम प्लस 4 इंटू डेल्टा एस बाय एस, 3 इंटू डेल्टा टी बाय टी, 2 इंटू डेल्टा एल बाय एल। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये करेक्ट आंसर है, ठीक है यहां तक? एक और क्वेश्चन लिखो, ठीक, ट्राई कर लो फिर से। तो क्वेश्चन है, ये क्लियर है सारा? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि इफ टी इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, फाइंड डेल्टा जी बाई जी। स्टेप में प्रॉब्लम है। देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपना पुराना रूल लगा रहे हैं तो टी इज इक्वल टू 2 पाई एल की पावर हाफ जी की पावर हाफ लगाते हैं, तो डेल्टा टी बाई टी, कांस्टेंट में तो लेना ही नहीं कुछ भी, हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल, हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी एक तरफ रखते हैं और इसको यहां लेके आते हैं तो आपके पास ये टर्म हो जाती है, क्लियर है यहाँ तक? अब प्रॉब्लम है, माइनस आ गया तो फिर मैं कहूँगा गलत हो गया, माइनस हो नहीं सकता, एरर तो गलत है ये।
ठीक है, तो सही चीज क्या है, आपको एक काम करना है, इसके अंदर एरर किस में निकालना है, जी में, जी में निकालना है, जिसमें भी एरर निकालना है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, इसको स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग करके टी स्क्वायर 4π² एल बाय जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जी इज इक्वल टू 4π² एल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब लगाओ रूल, डेल्टा जी बाय जी, कांस्टेंट में कोई एरर लेना नहीं है, डेल्टा एल बाय एल, 2 × Δt/T, दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक्सपोनेंट रूल लगाना आ रहा है सबको? ठीक, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप लोग मतलब नॉर्मली हो जाती हैं ऐसी फ्लो में करते करते कैलकुलेशन, और नेगेटिव का बंदा ध्यान नहीं देता और गड़बड़ कर देता है। तो याद रखना, अगर एरर में नेगेटिव आ गया कहीं माइनस करते हुए, छोड़ देना क्वेश्चन, वो उसका कोई फायदा नहीं, एक सेकेंड में लगाना बेकार है उसके ऊपर कि गलती होगा, वो एरर हमेशा प्लस में आएगा, मतलब ऐड ही होगा। चलो नेक्स्ट, इसी की एक्सटेंशन करते हैं। इसके अंदर जैसे सपोज करो, एक क्वेश्चन में गिवन है, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज 2%। परसेंटेज एरर को लिखते कैसे हैं, रिलेटिव एरर इनटू 100। तो अगर ये ए है, ए का रिलेटिव एरर क्या है, डेल्टा ए बाय ए, और परसेंटेज एरर क्या है, डेल्टा ए बाय ए इनटू 100, तो ये क्या गिवन है, 2%। अगर वो ये कहता है गिवन परसेंटेज एरर इन बी इज 3%, तो परसेंटेज एरर बी को कैसे लिखेंगे, डेल्टा बी बाय बी इनटू 100 इज 3%। परसेंटेज एरर इन सी को क्या लिखेंगे, डेल्टा सी बाय सी इनटू 100 इज 4%, ये गिवन है। और मुझे क्या निकालना है, जेड का ये फॉर्मूला है कि जिसमें ए बी सी तीनों चीजें हैं, आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जेड, तो क्या निकालना है, डेल्टा जेड बाय जेड इनटू 100। तो ये समझ में आ रहा है क्या गिवन है और क्या निकालना है, ठीक। तो ए का परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बाय ए इनटू 100, बी का क्या लिखेंगे, डेल्टा बी बाय बी इनटू 100, जेड का क्या लिखेंगे, डेल्टा जेड बाय जेड इनटू 100। फॉर्मूला उसने हमें दे दिया, इस फॉर्मूले को लिखें, इस फॉर्मूले में एक्सपोनेंट का रूल लगाएं। तो क्या एक्सपोनेंट का रूल, डेल्टा जेड बाय जेड, 2 × Δ a/a, 4 × Δ b/b, 5 × Δ c/c, लिख लिया। पर आपको तो परसेंटेज एरर निकालना है, यानी कि आपको निकालना है डेल्टा जेड बाय जेड इनटू 100। एक काम क्यों नहीं करते, दोनों तरफ को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि मुझे निकालना है डेल्टा जेड बाय जेड इनटू 100, तो दोनों तरफ को 100 से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। अब स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में क्या गिवन है, परसेंटेज एरर इन ए, तो क्वेश्चन में गिवन है कितने परसेंट, 2%, सीधा 2%। इसकी जगह बी में परसेंटेज एरर कितना है, 3%, और सी में परसेंटेज एरर कितना है, 4%, तो आंसर कितना आ गया, 36%। तो कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये इसका तरीका है लिखने का। अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एरर इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ, यहां पे वॉल्यूम करो, वॉल्यूम एंड मास आर गिवन, और ये थ्री हटाओ। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एरर वॉल्यूम और मास में कितने परसेंट है, 3% एंड 4%। तो वॉल्यूम का कौन सा एरर गिवन है, परसेंट, परसेंटेज एरर वॉल्यूम में कैसे लिखेंगे बोलो, डेल्टा वी बाय, परसेंटेज एरर वॉल्यूम में कैसे लिखेंगे, डेल्टा वी बाय वी इनटू 100, कितने परसेंट गिवन है, 3%। और मास का परसेंटेज एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम बाय एम इनटू 100, कितना परसेंट है, 4%। क्या निकालना है, फाइंड मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी ऑफ मटेरियल। अब डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय सिंबल रो, रो आप कहेंगे तो वो स्पेसिफिक, वो रेजिस्टिविटी और वो कॉपीराइट नहीं है, अपना नाम भी रो रख सकते हो, अपना नाम पाई रखो, रो रखो, अल्फा रखो, डेल्टा रखो, जो मर्जी रखो, जो मर्जी रखो,
नाम है सिंबल का, तो रो डेंसिटी भी यूज हो सकती है, तो ज्यादातर लोग डेंसिटी यूज करते हैं, मास बाय वॉल्यूम। तो आपको क्या निकालना है, एरर इन रो। अब एरर दो टाइप के हैं, या तो मैं निकालूंगा डेल्टा रो एब्सोल्यूट एरर, या मैं निकालूंगा रिलेटिव एरर, या मैं निकालूंगा परसेंटेज एरर। क्योंकि मेरे को गिवन सब कुछ परसेंट में है, तो मैं कौन सा एरर निकालूंगा, परसेंटेज एरर। तो आपको ये निकालना है, करेंट राइट आपको ये निकालना है। तो लगाओ इसमें एक्सपोनेंट का रूल लगाओ या डिवीजन का रूल लगाओ, जो भी रूल लगाने लगाओ, एक्सपोनेंट का लगा लो, पावर इसकी वन, इसकी पावर भी वन कर लो। तो क्या रूल लगेगा बताओ इसमें, डेल्टा रो बाय रो, इसकी पावर वन है, डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? बोलो रूल कैसे आया, कैसे लगा? डिवीजन का लगाना है। डिवीजन का रूल क्या था, अगर दो टर्म डिवाइड हो रहे हैं तो रिलेटिव एरर ऐड हो जाएगा। पावर रूल लगाना है, वो एक्सपोनेंट का रूल लगाना है, इसकी पावर वन है, इसकी भी वन है, तो वन इंटू डेल्टा एम बाई एम, वन इंटू डेल्टा वी बाई वी, एक ही बात है। हाँ बता रहा हूँ। उसने कहा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम एंड मास 3 और 4% है। परसेंटेज एरर वॉल्यूम में लिखते कैसे हैं, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, 3%। परसेंटेज एरर मास को कैसे लिखते हैं, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, ऐसे। ठीक है तक? तो ये परसेंटेज एरर लिखने का तरीका है। और हमें परसेंटेज एरर किसमें निकालना है, डेंसिटी। तो क्या निकालना है, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। तो आपने ये रूल लिख लिया, पर आपको क्या निकालना है, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। तो एक काम क्यों नहीं करते, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको मल्टीप्लाई करो, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100। राइट साइड को भी मल्टीप्लाई करो, डेल्टा एम बाय एम इंटू 100, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। ठीक है यहां तक, ये क्लियर है? अब डेल्टा एम बाय एम इंटू 100 की वैल्यू कितनी गिवन है, 4%, और ये कितनी गिवन है, 3%। तो आंसर कितना आ गया, 7% आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, एक बार रूल को एक्स में 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को देखो। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिग्मा ऑफ अ थिन वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर and radius small r and length l is given by this formula. आप प्लीज इस साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के डिटेल में मत जाएं, ये फॉर्मूला उसने कैसे बनाया समझ में नहीं आया, तुमने क्या करना है समझ के, फॉर्मूला दे दिया उसने, तो आपको हर एक्सपेरिमेंट को समझना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला उसने दे दिया सिग्मा का। अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर स्मॉल r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्मॉल r की वैल्यू ये गिवन है, स्मॉल r की वैल्यू में दिस इज स्मॉल r, दिस इज डेल्टा स्मॉल आर, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये क्या गिवन है, कैपिटल आर, तो दिस इज कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल डेल्टा आर, सही है? ये क्या है, लेंथ, तो दिस इज एल, दिस इज डेल्टा एल, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये स्टेप क्लियर है, अगर स्मॉल आर की वैल्यू एरर गिवन है तो आर और डेल्टा आर, रेजिस्टेंस में कैपिटल आर डेल्टा कैपिटल आर, और लेंथ में एल और कैपिटल डेल्टा एल। कोई डाउट इसमें, यहां तक क्लियर है? आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन सिग्मा। तो कैसे लिखेंगे परसेंटेज एरर, डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इनटू 100, ये लगाना है। ठीक, तो क्या लगाएं, एक्सपोनेंट रूल लगाएं, एक्सपोनेंट रूल, पाई को छोड़ देंगे और फिर 100 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें।
100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, में क्या किया आपने, इसमें रूल लगाया, इसको देखते हुए डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा, पाई में लेना नहीं, टू डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा कैपिटल आर बाय कैपिटल आर, डेल्टा कैपिटल एल बाय एल, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा सिग्मा बाय सिग्मा इंटू 100, टू इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल्टा कैपिटल आर बाय कैपिटल आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो इसके अंदर क्या करना है, अब आपको वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज कैसे पुट करनी है, टू इंटू डेल्टा स्मॉल आर, देखो ये स्मॉल आर है, ये प्लस माइनस डेल्टा स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये एल है, ऐसे तो स्मॉल आर, स्मॉल डेल्टा आर कितनी है, 0.02 डिवाइडेड बाय 0.26 इनटू 100 प्लस डेल्टा आर क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 32 इनटू 100 प्लस डेल्टा एल क्या है, 0.01 डिवाइडेड बाय 78 इनटू 100। इसे सॉल्व करो प्लीज, आंसर आना चाहिए 18%, 18.00% आंसर आ रहा है, चेक करें। तो हो जाएगा सॉल्व, कितनों का आंसर आ गया, 18% आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो आपको क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय, तो अगर मैं इसको एस से रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एस, ठीक है, और टाइम इज गिवन बाय, तो अगर मैं इसको टी से रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा टी। टाइम और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, क्या निकालना है, वेलोसिटी में क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, तो क्या निकालना है, डेल्टा वी बाय वी इनटू 100। वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, एस अपॉन टी, वी इक्वल टू एस अपॉन टी, तो लगाओ रूल इसमें, डेल्टा वी बाय वी इनटू 100, कैसे, एक्सपोनेंट का रूल लगाओ, आंसर निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो,
क्या किया आपने इसमें, डेल्टा वी बाय वी, वन इंटू डेल्टा एस बाय एस और डेल्टा टी बाय टी। तो फाइनली इसको 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, और राइट साइड को भी करना पड़ेगा, डेल्टा एस बाय एस इंटू 100 प्लस डेल्टा टी बाय टी इंटू 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। आपको डेल्टा एस इस क्वेश्चन में गिवन है कितना, 5, तो आप डेल्टा एस की जगह 5, एस की वैल्यू कितनी है 200 इंटू 100 प्लस डेल्टा टी की वैल्यू कितनी गिवन है 0.2 और ये कितना है 20 इंटू 100। सॉल्व करें इसे, 3.5% आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज है, करंट है, पावर कंज्यूम, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, वी इन टू आई। अब शुरू करो। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, आपको इसमें वोल्टेज गिवन है यानी कि V प्लस माइनस डेल्टा V गिवन है, आपको करंट गिवन है यानी कि I प्लस माइनस डेल्टा I गिवन है, आपको क्या निकालना है, पावर विद एरर। अब उसने ये बोला नहीं कि फाइंड परसेंटेज एरर, जब तक वो परसेंटेज नहीं बोलेगा तब तक परसेंटेज निकलेगी नहीं, तो फिर क्या करना है उसने, वो कह रहा है पावर निकालो विद एरर, तो ऑब्वियसली कौन सा एरर, एब्सोल्यूट एरर, यानी कि करेक्ट वैल्यू ऑफ पावर निकालनी पड़ेगी, साथ में एब्सोल्यूट एरर भी निकालना पड़ेगा। ठीक, ये निकालना है। ठीक है यहां तक? तो इसमें ना दो कैलकुलेशन चलेंगी, पहली कैलकुलेशन चलेगी पी की कैलकुलेशन, पी का मतलब क्या है, करेक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, और दूसरी कैलकुलेशन किसमें चलेगी, इसके एरर की कैलकुलेशन चलेगी। तो एक काम करते हैं, हम इस फॉर्मूले को दो बार लिखते हैं, पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई, और ऐसे ही P इज इक्वल टू V इंटू आई, क्योंकि मेरे को दो कैलकुलेशन करनी है, तो पहली कैलकुलेशन मैं किसके लिए करूंगा, टू फाइंड दी करेक्ट वैल्यू P निकालने के लिए, और दूसरी कैलकुलेशन किसके लिए करूंगा, टू फाइंड दी वैल्यू ऑफ एरर, ठीक है, डेल्टा P निकालने के लिए। देखो करेक्ट वैल्यू ऑफ P निकालने में क्या करना है, करेक्ट वैल्यू ऑफ V बोलो कितनी है 6, करेक्ट वैल्यू ऑफ आई बोलो कितनी है 4, तो कितना आ गया 24, तो आधा आंसर आ गया, तो इसकी जगह क्या लिख देना है 24। अब क्या रह गया, क्या निकालना, डेल्टा पी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? अब क्या निकलेगा, डेल्टा पी। अब डेल्टा पी निकालने के लिए इसको मल्टीप्लीकेशन रूल लगा दें, रूल क्या है, चाहे एक्सपोनेंट लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, पावर तो वन ही है, तो डेल्टा पी बाय पी इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय वी प्लस डेल्टा आई बाय आई। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? हाँ ठीक। अब अपने को क्या निकालना है, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी में डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी की वैल्यू कितनी है 24, डेल्टा वी कितना है 0.1, वी कितना है 6, डेल्टा आई कितना है 0.2, आई कितना है 4, तो यहां से डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करें एलसीएम लेके जो भी लेना है, आंसर कितना आ रहा है 1.6 आ रहा है, तो आधा आंसर और आ गया, इसकी जगह क्या पुट करेंगे 1.6 वॉट्स में आंसर आएगा। तो समझ में आ रहा है कि इसमें क्या करना है, तो जिन क्वेश्चन में एब्सोल्यूट एरर्स निकलेंगे उसमें दो कैलकुलेशंस होंगी, एक करेक्ट वैल्यू की अलग होगी और एरर की अलग होगी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? और जिसमें परसेंटेज निकालना है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, 100 से मल्टीप्लाई करो आंसर, कोई डाउट? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर।
क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में? रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है विद एरर। तो एक काम करते हैं, ये आर है और ये प्लस माइनस डेल्टा आर है। कैलकुलेट सरफेस एरिया विद एरर लिमिट, उसे परसेंटेज नहीं बोला, तो अपने को क्या निकालना है? एस प्लस माइनस डेल्टा एस। क्या स्टेप क्लियर है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4πr2। तो अपने को दो बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक बार एस की कौन सी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, करेक्ट वैल्यू, और एक बार डेल्टा एस में क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरर। तो करें सॉल्व। तो एक काम करते हैं, दो हेडिंग डाल लेते हैं, एक करेक्ट वैल्यू और एक एरर की कैलकुलेशन। फॉर्मूला दोनों में सेम है, एस इज इक्वल टू 4πr2, दोनों जगह लिखें, ठीक। एक चीज का आंसर दें, जब मैं एस की कैलकुलेशन करूंगा, 4π कांस्टेंट को निगलेक्ट कर दें, हां या ना? कितने लोग बोलते हैं नहीं, कितने लोग बोलते हैं कि हाँ आपने कहा था एरर्स में, तो यार 4π को छोड़ दें, कांस्टेंट है बोला था मैंने, तो फिर कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो रही है? मैंने बोला 4π में कांस्टेंट को नहीं लेना। हाँ हाँ, क्योंकि उसमें एरर थोड़ी ना है, एरर के अंदर छोड़ना है। टेंथ क्लास का फॉर्मूला थोड़ा भूल जाना है कि फिजिक्स वालों ने फॉर्मूला ही खराब कर दिया कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4π, छोड़ दो, अकेला आर स्क्वायर बच गया। भाई करेक्ट वैल्यू ऑफ स्फीयर का सरफेस एरिया तो करेक्ट फॉर्मूले से आएगा, 4π छोड़ के थोड़ी ना आएगा। तो जब आप इसमें फॉर्मूला में एस करेक्ट वैल्यू करेंगे, बिल्कुल कॉन्स्टेंट नहीं छोड़ना करेक्ट वैल्यू में, तो 4 × π × कैपिटल आर की वैल्यू 2.1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर 2.1 का स्क्वायर, तो एस की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 55.4, ठीक हो गया। लेकिन जब एरर की कैलकुलेशन होगी तो एरर में क्या यूज होते हैं? डेल्टा। अब डेल्टा के चक्कर में 4 का डेल्टा 0, पाई का डेल्टा, तो ये अपने आप उड़ जाएंगे। तो एरर के कैलकुलेशन में डेल्टा कांस्टेंट नहीं लेते, सरफेस एरिया में तो लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है यहां तक? कहीं पता लगे हर जगह 4 पे उड़ा दो, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है यहां तक? तो यहां पर क्या यूज करेंगे? डेल्टा एस बाय एस, एक्सपोनेंट टूल लगाओ, ये तो कांस्टेंट हट जाएगा, डेल्टा 4 0, 2 × डेल्टा आर बाय आर। अब डेल्टा एस मुझे निकालना है, एस में निकाल चुका हूं 55.4, 2 × डेल्टा आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है? 0.5, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 2.1। इसे सॉल्व करो तो डेल्टा एस की वैल्यू सॉल्व करके आएगी 26.4, तो ये 26.4 पुट कर देना और ये 55.4 पुट कर देना, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया यहां तक? ये कैलकुलेशन कैसे करनी है? दो बार करनी पड़ेगी, एक बार करेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू में एरर का कोई नहीं लगाना फॉर्मूला, बस जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर, और एक बार एरर की कैलकुलेशन, ठीक ठीक है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर ठीक है, एक काम करते हैं, आपको असाइनमेंट दी हुई है, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव असाइनमेंट नंबर 4, ये रही पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन।
तो इसके अंदर ये क्या गिवन है, इसमें आपको वैल्यू गिवन है इसमें लेंथ की, और ये क्या गिवन है डेल्टा एल, ये क्या गिवन है ब्रेथ, ये क्या गिवन है डेल्टा बी, क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद एरर, तो क्या निकालना है एरिया प्लस माइनस डेल्टा ए, ये निकालना है, ठीक है यहाँ तक। अब एरिया का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, एल इंटू बी दो बार लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि एक बार मेरे को कैलकुलेशन किसके लिए निकालनी है, करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और एक बार एरर। तो करेक्ट वैल्यू में लेंथ की करेक्ट वैल्यू 5.7 और बी की करेक्ट वैल्यू 3.4, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.38। और एरर के रूल में एक्सपोनेंट का रूल लगा दो, मल्टीप्लीकेशन का लगा दो, कोई फर्क नहीं, ये लो डेल्टा बी बाई बी, डेल्टा ए निकालना है, एरिया ए हम निकाल चुके हैं कितना 19.38, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी गिवन है इसमें 0.1, 5.7, डेल्टा बी की वैल्यू 0.2 by 3.4, इसे प्लीज सॉल्व करें, डेल्टा ए आना चाहिए 1.47, तो यहां पर पुट कर देंगे 1.47 और एरिया की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 19.38। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, आंसर 1.47 नहीं आ रहा, आ रहा होगा यार, चेक करना 1.47 आ रहा है क्या, चेक डेल्टा ए कितना आ रहा है चेक करना इस कैलकुलेशन से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, ये करना है। क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, जिसका ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। यहां पर लेंथ गिवन है एल और ये कैपिटल टी, कैपिटल टी की वैल्यू गिवन है 36 फॉर 20 वाइब्रेशन, 20 बार एक्सपेरिमेंट किया गया होगा तो 20 बार एक्सपेरिमेंट करने का टाइम इतना आ गया। फाइंड परसेंटेज एरर इन जी, तो अपने को क्या निकालना है, डेल्टा जी by g into 100, अपने को ये निकालना है। और क्या गिवन है कि l length being measured to an extent of accuracy of, accuracy का मतलब होता है absolute error, तो absolute error कितना है 0.1, और time की accuracy क्या है delta t
कितना गिवन है 0.2, एक्यूरेसी का मतलब एब्सोल्यूट एरर्स है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब मैंने आपको ये सिखाया टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, क्योंकि परसेंटेज एरर जी में निकालना है, तो क्या सिखाया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जी को एक तरफ लेके जाएंगे, बाकी टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे ऐसे। तो इसका अगर परसेंटेज एरर निकाल लें डेल्टा जी बाई जी, तो ये कांस्टेंट तो लेना नहीं है परसेंटेज, क्योंकि हम परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, एरर की कैलकुलेशन में कांस्टेंट लेते नहीं है। तो डेल्टा एल बाई एल आज हमने किया भी था 2 डेल्टा टी बाई टी, यहां तक किया था। 100 से क्या कर दे दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई, ये मैंने 100 से क्या किया मल्टीप्लाई, तो इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है इसमें 0.1, एल की वैल्यू कितनी है इसमें 90 इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है 0.2, कैपिटल टी की वैल्यू कितनी है इसमें 36 इंटू 100। कितना आंसर आ रहा है चेक करना, 1.2% है, चेक करो। ये 1.2% राइट, 1.2% ठीक है। यहां तक मेथड समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट ये क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो फॉर्मूला है यंग्स मॉडुलस का गिवन है। ये क्या टर्म है आपको इससे मतलब नहीं, वैसे कांस्टेंट होता है कोई, तो हम करेंगे आने वाले टाइम में। यंग्स मॉडुलस वाई का फॉर्मूला क्या गिवन है, एम जी स्मॉल एल पाई आर स्क्वायर कैपिटल एल, ये गिवन है। और क्या गिवन है, कह रहे परसेंटेज एरर इन वेट। अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे को फॉर्मूले में वेट दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं, वेट कहां से लाऊं, एम जी क्या होता है वेट, वेट एमजी नहीं होता क्या, तो इसकी जगह रिप्लेस करो डब्ल्यू इंटू एल पाई पाई आर स्क्वायर कैपिटल एल। अब क्या गिवन है, परसेंटेज एरर इन वेट, बोलो कैसे लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 100, तो ये और कितना गिवन है 0.5%। परसेंटेज एरर इन कैपिटल एल, ये कितना गिवन है 1%। परसेंटेज एरर इन स्मॉल आर कितना गिवन है 3%। और परसेंटेज एरर इन स्मॉल एल, ये कितना गिवन है 4%। क्या ये पॉइंट क्लियर है, परसेंटेज एरर को कैसे लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो परसेंटेज एरर लिख दिया हमने, क्या निकालना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन वैल्यू ऑफ वाई। तो बोलो क्या निकालना है, डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। क्या स्टेप क्लियर है, ये निकालना है, तो क्या करें, एक्सपोनेंट का रूल लगा लें। तो क्या रूल है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय वाई, डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, डेल्टा स्मॉल एल बाय स्मॉल एल, पाई में एरर नहीं होगा, डेल्टा स्मॉल आर डेल्टा कैपिटल एल कैपिटल एल। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, 100 से दोनों साइड्स को क्या कर देना है
मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज एरर तभी आएगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 100 प्लस डेल्टा स्मॉल एल बाई स्मॉल एल इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा कैपिटल एल बाई कैपिटल एल इंटू 100। सही है? अब बताओ परसेंटेज एरर वेट का कितना गिवन है? 0.5%। परसेंटेज एरर स्मॉल एल का कितना गिवन है? 4%। परसेंटेज एरर स्मॉल आर का कितना गिवन है? 3%। और कैपिटल एल का कितना गिवन है? 1%। सॉल्व करके कितने परसेंट है? 11.5%। समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ नहीं, देखो आपको परसेंटेज एरर निकालना है ना, तो 11.5 आंसर है। ठीक है, आगे आना, नेक्स्ट पार्ट पूछ रहे हो। हाँ, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो आपको ये वैल्यू पता लग गई कि परसेंटेज एरर की वैल्यू कितनी है यंग्स मॉडुलस की। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने इसमें? अब वो कह रहे हैं कि अगर वाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? अगर वाई की वैल्यू अगर y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 18.79 इंटू 10 रेस टू पावर 11। तो कह रहा है कि इसमें एब्सोल्यूट एरर y का निकालो। एब्सोल्यूट एरर को लिखते कैसे हैं? डेल्टा y। तो हमें पता है कि डेल्टा y बाय y इंटू 100 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 11.5। तो यहां पर रिप्लेस कर दो y की जगह कितना? 18.79 इंटू 10 रेस टू पावर 11। सॉल्व करके क्या जाएगा? डेल्टा वाई कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, डेल्टा वाई आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? बस इसी इसी की प्रैक्टिस है एरर्स, और कुछ नहीं एरर्स में। ठीक, इजी, बहुत मुश्किल तो नहीं है। ठीक है, आपने अब होमवर्क सबमिट करना है मेरे को नेक्स्ट टाइम। एक तो ये जो सब्जेक्टिव शीट है जितनी पूरी की पूरी सॉल्व करनी है, प्लस ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1 एरर की, एक ऑब्जेक्टिव शीट भी अंदर चेक करो। एक तो ये है ही है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1 होगी एरर की। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 1 भी करनी है आपने पूरी की पूरी। स्टेप्स दिखाने हैं मुझे, है ऑब्जेक्टिव पर स्टेप्स के साथ करना प्लीज, इस टाइप के ये रही। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें, आधे घंटे का ये टाइम है, आधे घंटे एक घंटे का काम है, ज़्यादा नहीं है। सबमिट होना है होमवर्क, ये पक्का रजिस्टर या सबमिट करके जाओगे। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? मंडे को डिफ्रेंसिएशन का टेस्ट क्लास के बाद, और प्लस संडे को कोई टेस्ट नहीं, अगली बार संडे को एरर्स का होगा, और ये दो शीट्स का काम आप करके आएंगे।